अभी तक की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, ये खबर आपके लिए है अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो। अगर आप ट्रेन से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो एक बार अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी जरूर ले लें। रेलवे ने कोहरे को देखते हुए 130 से ज़्यादा ट्रेनें रद्द कर दी हैं। जी हाँ, इसमें अधिकतर ट्रेन उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे की ट्रेन है। ये सभी ट्रेन 15 फरवरी 2019 तक रद्द रहेंगी। इसमें उत्तर मध्य रेलवे की 21 ट्रेनें आज से ही रद्द हो गई हैं। वहीं उत्तरी रेलवे की 104 से ज़्यादा ट्रेन 14 दिसंबर से रद्द रहेंगी। इस बारे में उत्तर रेलवे ने बयान भी जारी किया है। वहीं 14 ट्रेनों के फेरों को भी घटाया गया है। रद्द की गई अधिकतर ट्रेन अम्बाला, जलंधर सिटी, अमृतसर, पठानकोट, लखनऊ, कानपुर, जौनपुर, प्रयाग, बाराबंकी, फैजाबाद, दिल्ली, रायबरेली, गाजियाबाद, मेरठ, रोहतक, नई दिल्ली, पलवल और मुरादाबाद जैसे शहर से चलती हैं। उत्तर मध्य रेलवे ने आगरा, केंट, ग्वालियर, झांसी, बीना, भरतपुर, खजुराहो और इटारसी से चलने वाली ट्रेनें हैं। अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो रेलवे के पूछताछ नंबर 139 पर फ़ोन कर अपनी ट्रेन की जानकारी ले सकते हैं। कुंभ मेले को देखते हुए प्रयाग, फैजाबाद, प्रयाग पैसेंजर को 11 जनवरी से शुरू किया जाएगा। ट्रेन रद्द होने से यात्रियों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसके चलते रेलवे की आय पर भी असर पड़ेगा। रेलवे कोहरे के दौरान किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए आमतौर पर ठंड के समय ट्रेन रद्द कर देता है। इस दौरान पूरे देश में ट्रेनों का शेड्यूल भी गड़बड़ा जाता है, कई ट्रेनें लेट भी हो जाती हैं। आप 139 के अलावा रेलवे की वेबसाइट पर भी जाके इंक्वायरी कर सकते हैं और अपनी ट्रेन की जानकारी ले सकते हैं।